हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बी अपडेट फॉर ऑल चैनल। तो फ्रेंड्स, न्यू नोटिफिकेशन आउट हुआ है यूपी की तरफ से, तो चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल्स जानते हैं। और डिटेल्स जानने से पहले अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं देन इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँगा देन सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। दस अक्टूबर तक दिया हुआ है, यानी कि आप लोग को लगभग एक महीना का टाइम दिया जा रहा है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। ओके, एंड फी का लास्ट पे भी डेट भी रहेगा 10 अक्टूबर 2021। ओके, तो एग्ज़ाम डेट अभी तक मेंशन नहीं किया गया है, तो और एडमिट कार्ड आप लोग का आ जाएगा एग्ज़ाम से पहले। ओके, तो एज लिमिट देखते हैं कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एज लिमिट कितना होना चाहिए। तो मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 40 साल होना चाहिए। अगर आपका एज 18 से लेकर के 40 के बीच में हो रहा देन आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। और एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर द रूल्स। ओके, बट वो सिर्फ एससी और एसटी कैंडिडेट को ही दिया जाता है। ओके, और देखिए एलिजिबिलिटी देखते हैं कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। अगर आप स्कूल टीचर के लिए आप फॉर्म डाल रहे हैं देन मास्टर इन रिलेवेंट सब्जेक्ट होना चाहिए। ओके, एंड बीएड भी होना चाहिए। एंड कॉलेज स्टाफ और मैनेजमेंट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो बैचुलर डिग्री होना चाहिए इन एनी स्ट्रीम। ओके, अगर आप देखिए हिंदी का चाहिए तो आप पोस्ट वगैरह देख लीजिएगा कितना पोस्ट चाहिए। तो टोटल पोस्ट 1677 पोस्ट है। ओके, और इंग्लिश के लिए टीचर देखिए, इंग्लिश के लिए टीचर 1728 पोस्ट है। मैथमेटिक्स के लिए 1526 पोस्ट है। एंड बायोलॉजी के लिए 789 पोस्ट है। ओके, एंड संस्कृत के लिए 577, फिजिक्स के लिए 1356 पोस्ट है। ओके, एंड होम साइंस के लिए 998 पोस्ट है। केमिस्ट्री के लिए 1167 पोस्ट है। ओके, इकोनॉमिक्स के लिए 794। ओके, जियोग्राफी के लिए 689। एंड फिजिक्स के लिए 883। हिस्ट्री के लिए 874। एंड कॉमर्स के लिए 824। एंड उर्दू के लिए 512। एजुकेशन सोशोलॉजी के लिए 656। और फिजिकल एजुकेशन के लिए 961। एग्रीकल्चर एजुकेशन के लिए 698। ओके, एंड एग्रीकल्चर एजुकेशन के लिए 777 पोस्ट है। ओके, तो चलिए देखते हैं अब हम लोग मैनेजमेंट स्टाफ और मैनेजमेंट के पोस्ट को। तो देखिए अकाउंटेंट का टोटल पोस्ट है 1244। ओके, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 1199 पोस्ट है। एंड कैशियर के लिए 767 पोस्ट है। ओके, एंड मैनेजर के लिए 590 पोस्ट है। क्लियर?
तो चलिए देखते हैं अभी ग्रुप डी के लिए कितने पोस्ट है। तो देखिए ऑफिस बॉय के लिए 886 पोस्ट है, हेल्पर के लिए 702 पोस्ट है, एंड सिक्योरिटी गार्ड के लिए 621 पोस्ट है, एंड चपरासी के लिए 683 पोस्ट है। ओके तो देखिए अभी देखते हैं पदों का विवरण। तो स्कूल स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के अंतर्गत आने वाले पदों का विवरण निम्नवत है। उत्तर प्रदेश स्कूल स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड द्वारा विज्ञापित पदों में निम्न स्कूल कॉलेज टीचर, स्कूल स्टाफ, देखिए कॉलेज मैनेजर तथा स्कूल कॉलेज ग्रुप डी फोर्थ क्लास के पदों को स्वीकृत किया गया है, जिसमें लंबवत स्कूल कॉलेज टीचर, स्कूल कॉलेज स्टाफ, स्कूल कॉलेज मैनेजमेंट के पदों हेतु लिखित परीक्षा से गुजरना होगा। तो इतने जितने भी हैं पोस्ट उनके लिए एक आपको रिटर्न एग्ज़ाम देके आपको सिलेक्शन होना होगा। ओके इसमें अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं देन आपको रिटर्न एग्ज़ाम देना होगा, आफ्टर दैट आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। तो देखिए पदों का चयन हेतु एकेडमिक मेरिट लिस्ट शैक्षिक योग्यता के आधार पर किया जाना तय हुआ है। तो देखिए अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो उसमें आप लोग का रिटर्न एग्ज़ाम लिया जाएगा। ओके एक ही रिटर्न एग्ज़ाम लिया जाएगा, ये तो मेंशन नहीं किया गया है कि एक ही एग्ज़ाम लिया जाएगा, बट आपका एक एग्ज़ाम होगा ज़रूर। ओके हो सकता है प्रीलियम्स और मेंस हो सकता है, जैसे कि आप लोग को जनरल स्टडी से क्वेश्चन पूछा जाए। ओके एंड सेकेंड में आप लोग का जो पर्टिकुलर जो आप जैसे कि आप बीएड के स्टूडेंट से देन आपको जैसे कि आप ओनर से हिंदी का या फिर इंग्लिश का ओनर से देन हो सकता है आपका मेंस में उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए, बट यहाँ पर अभी मेंशन नहीं किया गया है देयर फॉर मैंने अभी नहीं यहाँ पर बताया है। क्लियर तो आप देखिए इस फॉर्म को आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए आप इस फॉर्म को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, तो पॉइंट नंबर वन तो मैंने बता दिया है। ओके तो किसका किसका पोस्ट है, नॉन टीचिंग और टीचिंग का पोस्ट है। क्लियर एंड पॉइंट नंबर टू देखिए अगर आप इंटरेस्टेड है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए देन आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने तो डेट बता दिया है कि कब से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और कब तक अप्लाई कर सकते हैं। ओके और मैंने आपको नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल्स बता दिया है। ओके एंड पॉइंट नंबर फोर देखिए बेसिक डिटेल्स जो जो आपको पूछा जाएगा वो आप फिलअप कीजिएगा फॉर्म में। क्लियर एंड अपलोड कीजिएगा अपना फ़ोटो एंड फाइन आईडी प्रूफ एंड अदर डॉक्यूमेंट्स जो जो आपको मांगा जाएगा। ओके एंड चेक योर फुल डिटेल्स प्रीव्यू बिफोर सबमिट द फॉर्म। तो देखिए जैसे कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि फॉर्म तो अप्लाई कर देते हैं और बाद में फिर पता चलता है कि गलत हो गया है, और फिर कोई कोई ऐसा सर्विस होता है जिसमें कि करेक्शन का चांस नहीं दिया जाता है, हो सकता है आपका पेनल्टी ले लिया जाए। ओके और हो सकता है किसी में तो ऑप्शन ही नहीं देता है करेक्शन करने के लिए, सुधारने के लिए। इसलिए जब भी आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा तो जैसे ही फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार प्रीव्यू आता है उसको एक बार केयरफुली चेक कीजिएगा, आफ्टर दैट फाइनल सबमिट मारिएगा, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत हो सकता है। ओके तो लास्ट में देखिए उसके बाद पे रिक्वायर्ड एप्लीकेशन फ़ी, उसके बाद आप एप्लीकेशन फ़ी को जैसे ही आपका पे सक्सेसफुल हो जाता है उसके बाद एक आप प्रिंट ले लीजिएगा देन आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। क्लियर और वो प्रिंट लेना बहुत ज़रूरी है ताकि एडमिट कार्ड जब भी निकले तो उसमें कुछ रेफरेंस नंबर रहता है, उसी के थ्रू आप एडमिट कार्ड को निकाल सकते हैं। ओके अगर आपको वीडियो से हेल्पफुल लगा देन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्सों में ताकि वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सके। ओके और किसी भी तरह का अगर आपको डाउट रहता है देन आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके और मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपका प्रॉब्लम को दूर कर सकूँ। ओके तो जय हिंद जय भारत।